वैसे भी मेहनत करने के बाद आप कुछ भी तो कंज्यूम करेंगे, 100% आप अपनी बॉडी में पैलेस नहीं लेंगे। प्रोडक्ट तो अच्छा ही है ना, उसके काफ़ी नेटवर्क हैं जिससे मैं मिलता हूँ, काफ़ी हमारे सोशल मार्केटिंग में जितने भी लोग मिलता हूँ तो अच्छा है। तारीफ अभिषेक तो पर्सनली आई थिंक इज़ अ वेरी गुड मैन एंड अभिषेक इज़ अ वेरी गुड मैन एंड आई थिंक यूथ है जो ऊपर आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, और जो प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है उन्होंने अच्छा किया है, जो सोर्सेज सप्लीमेंट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और अभी हमने सुना भी है कि वो दे आर 6th or 5th इन द मार्केट इन द रिंग, इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। दिनेश भास्कर गवई पालघर, सरांचा सोर्सेस सप्लिमेंट है, त्याचं मी फ्रँचायझी पालघरसाठी घेतलेली आहे, आणि हे सोर्सेस सप्लिमेंट एकदम चांगलं प्रोडक्ट आहे आणि यांच्याशी आम्ही फार पूर्वीपासून जुळलेलो आहोत, आणि सरांना भविष्यात आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। की मैं एक ओल्ड एक्स बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, मैंने काफ़ी टाइम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन किया हुआ है, काफ़ी टाइटल्स है मेरे पास में, उसके अलावा मेरा स्टडीज़ जो एजुकेशन है वो बी फार्मा है, मैंने कहीं ना कहीं हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में काफ़ी डीपली नॉलेज शार्पली नॉलेज स्टडी किया हुआ है मैंने, उसके बाद में पर्सनल यूज़ करते हुए कॉम्पिटिशन के टाइम पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लैग लगा कि जो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो अकॉर्डिंगली आई डिसाइडेड कि ये बिज़नेस में एंटर होना चाहिए। मैंने खुद एक ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले डाली, उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलप किया, ओन प्रोडक्ट बनाया है मैंने जो पैन इंडिया मार्केटिंग करते हैं सिंस 2013 से, आज टर्नओवर हम लोग का अप्रॉक्सीमेट 24-25 CR है, और अभी टाइम आ गया है कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप ले नेक्स्ट लेवल पे, तो हम लोग एक कॉर्पोरेट ऐड के लिए आज बैठे। प्रोडक्ट आपको पहले बताता हूँ कि आज से 7-8 साल पहले कि सप्लीमेंट बोलेंगे तो सिर्फ इंटरनेशनल सप्लीमेंट ही होते थे, इंडियन प्रोडक्ट्स कोई जानता ही नहीं था ना कोई बनाता था, लाइक 2013-2012 से सप्लीमेंट्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लोगों ने भी स्टार्ट किया है बनाने के लिए, और बिकॉज ऑफ दैट कि जो मुझे कहना है कि इंटरनेशनल सप्लीमेंट में डुप्लीकेसी बहुत थी, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने भी चालू किया हुआ है, पहले क्वालिटी का बहुत इश्यूज था, 2013-14 से बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं जो मार्केट पे आज के डेट पे रूल कर रहे हैं। सर जैसे कि आज आपने इतना बड़ा शूट किया, तो भी शूट के स्पेस पे था जी, बेसिकली हम लोग एज इंडिविजुअल्स एज जो नॉर्मल पीपल हम सब ये चाहते हैं कि सबकी लाइफ हेल्दी रहे, तो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग वेयर वी टॉकिंग अबाउट गुड न्यूट्रिशन, एंड हम लोग सब डाइट पे ध्यान देते हैं लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है बॉडी में, कितना वाइटामिन्स मिल रहा है कि नहीं, तो आज का शूट उसके ऊपर था, ये बेसिकली सोर्सेज न्यूट्रोसाइंसेज सप्लीमेंट्स के ऊपर है जी। सी बेसिकली दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, इट्स अ ट्रस्टेबल ब्रांड, और इट्स मेड इन इंडिया विद इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अमेरिका, बट इसके साथ में ही इंडियन नेवी और आर्मी जो है वो भी इसको ट्रस्ट करती है, एंड क्योंकि सारा इन्हीं का सप्लीमेंट्स है जो वहाँ जाता है। जी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं लिए, लेकिन जब जब डिपेंडिंग ऑन माय प्रोजेक्ट्स आई हैव टेकन, क्योंकि कभी जब सडन गेन करना हो या सडन लूज़ करना होता है तब एक प्रॉपर ट्रेनर और एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस के अंडर तब मैंने सप्लीमेंट्स लिए। नहीं, इसके अंदर हम दोनों सेपरेट दो डिजिटल एड्स कर रहे हैं, मेरी एक सेपरेट ऐड है और उनकी एक सेपरेट ऐड है, बट आई नो हर ऑब्वियसली श्वेता, एंड शी इज़ आई थिंक अ फैंटास्टिक एथलीट एंड एन एक्ट्रेस, तो आप हमारे जो चैनल से मतलब जो जिम करते हैं वो ये नहीं
न्यूट्रिशन कर सकते हैं, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो बॉक्सिंग में जाना चाहते हैं, वो उनके लिए कम्फर्टेबल है, मतलब ये जो हाँ 100% मैं बोलूँगा कि सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं या बॉक्सिंग वालों के लिए नहीं, ये एक कोई प्लेयर भी होता है, एथलीट्स होते हैं एंड नॉर्मल लाइफ में भी जो रूटीन में जैसे जितने भी लोग हैं एक टाइम के बाद उनको मतलब योर बॉडी नीड्स बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक सप्लीमेंट्स, बेसिक मिनरल्स, विटामिंस, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है। सर, अभी आपके अपकमिंग कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे अभी एक फिल्म आने वाली है मंडली, वो मुंशी प्रेमचंद की कथाओं से प्रेरित है, हिंदी की, एंड देन उसके बाद एक वेब सीरीज़ है, इट्स कॉल्ड द गोस्ट थीसिस, वो है, और अभी एक फिल्म आ रही है बगावत। जी बगावत सबसे एंड में रिलीज होगी, मंडली पहले होगी, फिर गोश्त थी से जाएगी। मंडली हम लोगों ने मथुरा में शूट किया है पूरा, जी मथुरा में ही पूरा शूट हुआ है, गोकुल में मथुरा में, और ये बेसिकली राकेश चतुर्वेदी ओम है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। थैंक यू।